रतलाम मेडिकल कॉलेज में हुआ बवाल फिर सुर्खियों में है। गुरुवार रात मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्रोफेसर ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स व प्रोफेसर ने बुधवार को अस्पताल में मृतक परिजन द्वारा स्टाफ पर आभूषण चोरी का आरोप और डॉक्टर्स के साथ विवाद भी किया था, जिसे लेकर डॉक्टर लामबंद हो गए और मृतक परिजन पर आरोप लगाते हुए FIR की मांग की। जब पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही तो सारे डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने थाने में ही धरना दे दिया और FIR नहीं करने पर मेडिकल कॉलेज में सेवा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल कॉलेज से बुधवार को हुए हंगामे के सारे CCTV फुटेज मंगवाए और मृतक परिजन पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज लौटे और हंगामा शांत हुआ। रतलाम मेडिकल कॉलेज में कार्यरत जो चिकित्सक हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला और मारपीट की घटना की हुई हमारे साथ, गाली गलौज वगैरह हुई हम लोगों के साथ। तो एक मरीज जो था, उस मरीज के परिजनों ने इस प्रकार की घटना की और झूठे आरोप हम लोगों पे लगाए। जो वहाँ के डॉक्टर कार्यरत हैं, जो 6 महीने से लगातार कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के जो ड्यूटी दे रहे हैं, उन पे इस प्रकार की जो घृणित कार्य किया गया और घृणित इल्ज़ाम लगाए गए कि उनका सामान चोरी किया गया, जो कि बाद में उनके मरीज के शव के साथ ही पाए गए, जो कि गलत था। और उन्होंने उसके अलावा भी उन्होंने आरोप लगाए कि ऑर्गन निकाल लिए हैं। हाँ, चिकित्सा महाविद्यालय की ICUR था ये अपने कोविड का, वहाँ पे सोहन मंडलोई चिकित्सक थे, उनके साथ में मंदसौर के रहने वाले विक्रम तेहनगुड़िया ने विवाद किया था। इस प्रकार का रिपोर्ट उन्होंने की है, उनके संबंध में प्रकरण पंजीकृत किया है पुलिस ने।